अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। सन 1995 की बात है। स्कूटर का फैशन तेजी से बढ़ रहा था। बड़ी कार तो हर कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन स्कूटर थोड़ी मेहनत करके खरीदी जा सकती है। राजेंद्र की नई नई नौकरी लगी थी बैंक में। अब तो बस अगले 2 साल में अम्मा के मायके के पास वाली अंजलि से शादी करके उसको स्कूटर पे बिठा के उसके साथ पूरा पटना घूमना था राजेंद्र। स्कूटर पे बैठ के वो जब ठंडी ठंडी हवा में अंजलि को पीछे बिठा के पटना की सड़कों पे निकलेगा तो बस सब जल के राख हो जाएंगे। राजेंद्र पटना का रहने वाला था, अभी 24 का था। बड़ी मेहनत करके एक सरकारी बैंक में बड़े बाबू की नौकरी लगी थी भैया की, और अपनी दोनों बड़ी बहनों की शादी के बाद अब शादी की बारी उसकी थी, और लड़की भी उसे पसंद तो थी, लेकिन अम्मा को मनाना मुश्किल था। अब अम्मा जब भी मायके जाती तो दिन भर राजेंद्र और अंजलि बचपन में आंगन में खेला करते थे। अम्मा ने एक दफे मजाक मजाक में कह दिया था कि बड़े हो जाओ तब तुम दोनों की शादी करा देंगे, फिर जिंदगी भर खेलते रहना आपस में। राजेंद्र तो उसी पल से अंजलि को दिल ही दिल में अपनी बीवी मान चुका था। जिंदगी में दो ही सपने थे उसके, सरकारी बैंक में नौकरी और दूसरा अंजलि से शादी। अब पता नहीं अंजलि कैसी होगी, हमको पहचानेगी, हमसे शादी करेगी ना। रोज रात को सोने से पहले राजेंद्र यही सोचा करता था, और इसी बीच वो पल भी उसे याद आ जाया करता था जब एक दिन भारी दोपहर में अंजलि आम खाने की जिद कर रही थी, तो आम के बगीचे में आम चोरी करने के लिए दोनों बच्चे घुस गए, लेकिन पकड़े गए, और फिर बड़ा बवाल हुआ था। बगीचा जिनका था उन्होंने बड़ी खरी खोटी सुनाई थी घर वालों को बुलवा के, और उसी दिन अम्मा ने ये कहा था सबके सामने कि इस लड़की की वजह से जितनी बेइज्जती हुई है इसका कभी तू मुंह भी नहीं देखेगा। उसके बाद अम्मा सिर्फ 2 बार मायके गई, और दोनों ही बार राजेंद्र यहीं पटना में बाबूजी के साथ था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं था ना, अब तो राजेंद्र बड़ा हो गया था, हर सरकारी नौकरी कर रहा था, और अब उसको कौन रोक सकता था। उसने एक दिन सवेरे सवेरे नाश्ते के वक्त अम्मा से कहा, अम्मा ओ याद है ना आपको, ओ नानी के घर के पास हमारी दोस्त थी अंजलि। हाँ बहुत फसादी कहती थी उसको, याद है। हाँ उसको भूले नहीं है अब तक अम्मा, अब तो नौकरी भी लग गई हमारी अच्छी, उससे हमारी शादी करा दीजिए। अम्मा ने राजेंद्र की पूरी बात सुनी और फिर थाली के ऊपर अपना हाथ लाकर पराठा सब्जी के ऊपर ग्लास से पानी उड़ेल के हाथ थाली पे ही धो के उठ गई और अपने कमरे में चली गई। राजेंद्र बस पथराई सी आंखों से देखता रह गया। बाबूजी की ओर देखा तो बाबूजी ऐसे मुस्कुराए जैसे कह रहे हो, चिंता काहे करते हो, अपनी अम्मा को जानते हो ना, समय लगेगा, मान जाएगी। राजेंद्र की नानी की अब उम्र हो चली थी, ज्यादातर बीमार रहती थी। अभी कल ही खबर आई थी कि नानी ने खाट पकड़ ली है, ज्यादा दिन बचेंगी नहीं। अम्मा का तो रो रो कर बुरा हाल था, राजेंद्र चाह के भी कुछ कह नहीं पा रहा था। शाम को दफ्तर से लौटा तो देखा अम्मा रो रही है, और बाबूजी एक तरफ बैठे गुस्से में अखबार पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। आंखों आंखों में राजेंद्र ने बाबूजी से इशारे में पूछा तो बाबूजी ने उसे आंख मारी। राजेंद्र समझ गया और अम्मा के पास जाके उनके माथे पे हाथ फिरा के बोला, ए अम्मा अरे रो काहे रही हो, हमने छुट्टी की बात कर ली है बैंक में, परसों ही तुमको ले चलेंगे नानी के घर, मिल लोगी उनको, देख लोगी एक बार, तो मन में टीस नहीं रहेगी। ऐसे रो मत अम्मा, तुम सामान बांधो, परसों सवेरे की गाड़ी से निकल जाएंगे। एक आदर्श बेटे, नाती और प्रेमी सबकी भूमिका एक ही चाल में निभा दी थी राजेंद्र ने। अगले दिन राजेंद्र ने छुट्टी की अर्जी डाली तो तुरंत मंजूर हो गई। फिर जमा किए हुए थोड़े बहुत पैसों से स्कूटर की बुकिंग करवाई, और जब नानी के घर जा ही रहा है तो बात पक्की करके ही आएगा
और अगली बार अंजलि को स्कूटर पे पटना की सैर करवा के ही रहेगा। अब पूरे भारत में जगह जगह डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन लग गए थे, लेकिन 1995 में भी राजेंद्र की नानी के घर जाना हो तो पटना से सिंगल लाइन ट्रेन से ही जाना होता था। खैर, वहां पहुंच के रिक्शे पे बैठे तो अम्मा फिर रोने लगी। राजेंद्र फिर बोला, ए अम्मा, ऐसे ही रोती रहोगी तो तुम्हारी ऐसी रोनी सूरत देख के नानी को अच्छा लगेगा क्या? अरे हंसते हुए नानी से मिलोगी तो क्या पता नानी तुम्हारी हंसी देख के ठीक हो जाए, है? अम्मा को ये बात अच्छी लगी या बुरी ये तो नहीं पता। वो चुप भी हुई और नानी को देखते ही वो रोई नहीं बल्कि अम्मा कहकर जाकर गले से लिपट गई। राजेंद्र ने भी नहा धोकर सोचा कि इतनी दूर जिसके लिए आया है थोड़ी उसकी भी खबर ले ली जाए। आखिर जो इतने सपने उसे लेकर के संजो रखे हैं दिल में, वो पूरे होंगे भी या नहीं ये कैसे पता चलेगा। लिहाजा शाम के वक्त पे राजेंद्र घूमने निकल पड़ा, वो भी अंजलि के घर के पास। लेकिन वहां पहुंच के देखा तो ताला लगा हुआ था, मकान जैसे खंडहर बना हुआ था। पूरे मकान की दीवारों पे बरगद और दूसरे पौधों की शाखें और बेलें निकली हुई थी। एक जमाने में लगा हुआ वो भारी भरकम गेट जंग खा के टूट के झूल गया था और खूबसूरत सा वो फूलों का बागीचा अब उजड़ के एक बंजर धरती का टुकड़ा सा लग रहा था। राजेंद्र मकान के करीब पहुंचा तो अपने सपनों को एक झटके में बिना किसी चेतावनी के ऐसे राख होते देखकर आंसू नहीं रोक पाया। फिर किसी तरह खुद को संभाल के उसने आसपास देखा तो एक पान की दुकान दिखाई दी। वहां जाके राजेंद्र ने पूछा कि यहां जो लोग रहते थे, जिनकी छोटी सी बच्ची थी अंजलि, वो कहां चले गए ये सब छोड़ के? तो पान वाले ने सर उठा के ऐसे देखा राजेंद्र की ओर जैसे पान वाले से उसकी जायदाद मांग ली हो उसने। पान वाला जो खुद भी पान चबा रहा था, जिसका मुंह पीक से भरा हुआ था, उसने राजेंद्र को किनारे हटने का इशारा किया और उसके हटते ही मुंह में भरी हुई पीक को थूक के बोला, भैया जी ऐसा है, यहाँ जो लोग रहते थे ना बहुत अच्छे थे, हम उनको गुड्डन चाचा कहते थे। बहुत बरस पहले की बात है, बच्ची को आम खाने का मन हुआ तो ठाकुर साहब के बगीचे में घुस गई थी। अब ठाकुर साहब के लठैटों ने बिटिया को और उसके साथ जो सामने वाले मकान वाली अम्मा है ना, उनके नाती को चोरी करते पकड़ लिया था। अब घर वालों को बुला के बहुत बेइज्जती करी थी ठाकुरों ने उस दिन। दोनों तब बच्चे थे, अब बच्चे ऐसे आम नहीं खाएंगे तो बताइए आप और हम खाएंगे क्या? फिर पता नहीं क्या हुआ, छोटी बच्ची और नाती बाबू को डांट वांट पड़ी होगी। अब बच्ची ने सोचा कि हमारे दोस्त को इनकी वजह से डांटा गया तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। अब डंडा लेके उत्ती सी बच्ची रात को निकल पड़ी, ठाकुरों से बदला लेंगे हमारे दोस्त को ऐसे बोला इसलिए। और रात को सियारों और तेंदुओं से बचाने के लिए बगीचे में तो आदमी रहेगा नहीं ना रखवाली के लिए, तो बगीचे की रखवाली करते थे खूंखार विदेशी कुत्ते। अब रात को बच्ची चली तो गई, अगले दिन बस उस बच्ची के खून से लटपट कपड़े मिले और एक दो टुकड़े। उसके बाद इन लोगों ने मकान क्या शहर छोड़ दिया। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha.